यूपी का सियासी मिजाज आपने देख लिया, राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मनमुटाव की बात करेंगे। महागठबंधन के सबसे भरोसेमंद दो पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी उपचुनाव में अब अलग अलग प्रत्याशी उतारेंगी। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने भी तारापुर और कुशेश्वर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आपको बता दें, कन्हैया कुमार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया है उससे आरजेडी खुश नहीं है। 30 अक्टूबर को बिहार की दोनों ही सीटों पर उपचुनाव है, जहां पर कांग्रेस आरजेडी भी अब एक दूसरे के आमने सामने होंगी। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस भी उतारेगी अपने प्रत्याशी, जबकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये पार्टी साथ में थी आरजेडी के साथ, लेकिन अब तय ये हुआ है कि इन दो सीटों के लिए जहां पर 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं, आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुशेश्वर सीट और तारापुर सीट, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। समीकरण यहां पर अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार को लेकर आरजेडी खेमे से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपको याद भी होगा कि कन्हैया को जिस बेगूसराय सीट से उम्मीदवार लेफ्ट की पार्टियों ने बनाया था, उस दौरान भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार वहां पर उतारे थे।